ये तो उसे नहीं समझ ये आप लोग का दो मेरे को दे मेरे को हे गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। सो गाइज आज हम आए मुंबई के अंदर मीरा रोड पे और जो आप मेरे सामने कार्ड देख रहे हैं भाई इसका नाम है मोमो अंकल और ये जो अंकल जो मोमोज बना रहे हैं भाई इनकी जो उम्र है वो 70 साल भाई 70 ईयर्स ओल्ड के ये अंकल हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। चलो यार एक बार अंकल से बात करते हैं थोड़ा उनके बारे में जानते हैं और वीडियो को भाई पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत औसम होने वाला है हर बार की तरह और अमेजिंग कंटेंट आपको पता है हमारे चैनल पर आते ही रहता है। तो हर वीडियो को बिना देखे लाइक कर दो आज और अंकल से थोड़ी बातचीत करते हैं। कितने बजे आते हो अंकल यहाँ पे? अभी आधा घंटा पहले आया। अच्छा आज ही ड्यूटी पे हम लोग इवनिंग के साथ शिफ्ट है। कैसे? इवनिंग इवनिंग अभी थोड़े दिन आ नहीं रहे क्या? हाँ थोड़े दिन छुट्टी में थे क्या? हाँ थोड़ा आज एक घर पे काम हो रहा था इसलिए नहीं आया था। अभी ये क्या करेगा टीवी में दिखाएगा? फोन में? अच्छा यूट्यूब पे डिराइडेड बीजर का एड्रेस यहाँ का आपका मोमो अंकल और एज क्या आपकी? हाँ एज देखने का जरूरत नहीं है मोमो अंकल नहीं तो एज से तो बंदे आएंगे कि इतने हार्ड वर्किंग हो आप। 120 साल का उम्र का है ना जो आप नए काम नहीं कर सकते। रात 2 बजे जाता है ऑसिन समुद्र नहीं ऑसिन जिधर खतरनाक मछलियाँ होता है। अच्छा वहाँ पाइप लाइन लगाता है जो बाइक में आप लोग आया ना वो अमेरिकन लोग बनाया वहाँ पर भी नौकरी मैं किया। वो लोग क्या बोलते मन में जिसका 120 बोलता आई एम नॉट ओल्ड मैन ब्लडी फुल आई एम स्टिल यंग 20 पीपल नाउ इट इज 20 पीपल 20 ईयर्स ओल्ड पीपल बॉयज देर आर नॉट वर्किंग एवरीबॉडी इज ड्रग्स तो हु एम आई देन ओल्ड मैन ऐसा है मैं तो तल्लीन हो गया भाई अमेरिकन लोग को उम्र नहीं देखने का। बोलो बस मोमो अंकल इधर बहुत सारे अंकल लोग बनाता है उधर भी देखो समोसा अंकल है एक आगरा चाट में इंग्लिश वाले अंकल हाँ ये भी ठीक है। सो गाइस जो हमारे मोमोज की मेकिंग है देखो यार स्टार्ट हो गई है और अभी हमने अंकल से भी बात करी और अकॉर्डिंग टू अंकल भाई जो आजकल का यूथ है वो ड्रग्स के अंदर बर्बाद हो रखा है। मेरे को तो सारी बात का यही मतलब समझ आया कि भाई अंकल ने हम सारे मतलब जब लौंडे अपनी उम्र के 20-25 साल के हमें कोई बोली है सारी बात कि जितनी मेहनत ये कर रहे हैं आजकल के बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर सकते। सो गाइस ये देखो अभी आप हमारे मोमोज बन रहे हैं और जब भी आप यहाँ पे मोमोज खाने आओगे तो भाई एकदम गर्मा गर्म मोमोज जो आपको बना के मिलेंगे ऐसा नहीं है कि भाई आप बाकी जगह मोमोज खाने जाते होगे वहाँ पहले से बन के मोमोज रखे होते हैं तो यहाँ पे मोमोज आपके सामने बनाए जाएंगे। और गाइस ये देखो इनके पास जो मोमो का स्टीमर होता है वो नहीं है भाई ये इडली के सांचे के अंदर आपको मोमोज बना के देंगे तो अभी उसके अंदर बटर लगाया जा रहा है। भाई देख रहे हो भाई कितना अनोखा सिलाई मतलब कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है ये। इनके पास मोमो का स्टीमर नहीं है बट फिर भी मतलब यार बंदा हार नहीं मान रहा इडली के मतलब जिसके अंदर इडली बनती है उसके अंदर बंदा भाई मोमोज बना रहा है। और इस मोमोज का साइज़ देखो कितने बड़े बड़े मोमोज हैं भाई देख के मतलब मुँह में पानी आ रहा है बहुत टेस्टी लग रहे हैं देखने में। सो गाइस जितने मेरी ऑडियंस है मीरा रोड की फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने कभी मोमो अंकल के मोमोज ट्राई करे हैं भाई देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं बहुत ज़ोरदार लग रहे हैं देखने में तो। और गाइस अगर आपको मुंबई का जो भी कंटेंट पता है फटाफट से कमेंट कर दो क्योंकि आप लोगों का भाई मुंबई जाने वाला है कुछ टाइम में और सारा कंटेंट शूट करके आने वाला है। सो गाइस देखो हमारा एक जो इडली का स्टैंड था उसके अंदर उन्होंने कितने मोमोज लगाए 6-7 मोमोज लगा दिए उसके बाद जो है दूसरा स्टैंड के अंदर ये मोमोज लगाना शुरू कर रहे हैं। और भाई देखो आपके सामने पूरी मोमोज की मेकिंग हुई कोई भी मोमोज उन्होंने पहले से बना के नहीं रखा हुआ था एकदम फ्रेश बनाया फिलिंग भी आपके सामने भरी है भाई बिल्कुल सारा काम आपके सामने होगा बिल्कुल आपकी नज़रों के आगे। और गाइस जो प्राइस है वो भी बहुत कम है डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्जैक्ट लोकेशन भी यहाँ की मेंशन है प्राइसेस भी मेंशन है वहाँ से चेक कर लेना भाई एक बार तो ट्राई करना बनता ही है यार। और यार इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करना मतलब हर एक बंदे को मतलब पता लगना चाहिए कि एक 70 साल के जो अंकल हैं वो इतनी मेहनत करके मोमोज बेच रहे हैं। सो गाइस हम इनकी इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं यार कि इनको कार्ट से दुकान के ऊपर शिफ्ट करवा दें और भाई इनके पास मोमो स्टीमर आ जाए भाई इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं यार तो करना ही क्या बस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा लोगों को पता लगे और आके इनके मोमोज ट्राई करें। और गाइस ये जो वीडियो है मेरे फ्रेंड ने मेरे को शूट करके दी है क्योंकि मैं आपको पता है मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और कुछ टाइम बाद में मुंबई घूमने जाने वाला हूँ मार्च के अंदर तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो कि और कौन कौन सी जगह आपको एक्सप्लोर करवानी है तो तुम्हारा भाई सारी जगह ढूंढ के लेगा भाई। फिलहाल तो इन अंकल की हेल्प करने का मन है तो सबसे पहले जाते हैं इनके ऊपर एक ब्लॉग तो बनाना है मेरे को आपको पता है भाई क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मोमोज है मेरे फेवरेट हैं भाई एक बार मुंबई के अंदर जाकर सबसे पहले इन अंकल के मोमोज ही ट्राई करने हैं मेरे को तो।
सो गाइस जो हमारे वेज मोमोज हैं उनकी मेकिंग स्टार्ट हो गई है और अंकल अभी इसके अंदर वेज की फिलिंग डाल रहे हैं, तो इसके अंदर पत्ता गोभी थोड़े से इन्होंने गाजर वगैरह डाल के रखी हुई है। सो गाइस फिलिंग चेक करो कितनी मतलब भर भर के फिलिंग है। और आपको पता ही है कि यार जो मोमोज बनाने का काम है बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मेरे से तो होली के टाइम पर गुजिया भी नहीं बनाई जाती हाथ से, भाई मैं तो मेकर से बनाता हूँ और अंकल ने एक बारी में पूरा मोमोज बना दिया। तो भाई मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है ये। और कैसे इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भाई बवंडर आ जाए एकदम, मतलब मज़ा सा आ जाए। इस वीडियो को शेयर इतना कर दो कि भाई जो अंकल हैं भाई उनकी हेल्प हो जाए, बस किसी भी तरीके से अंकल की हेल्प हो जानी चाहिए। तो यार जो हमारे वेज वाले मोमोज हैं ये भी बन के ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाले हैं। अभी भी जाएंगे हमारे इडली के स्टैंड के अंदर, पहले चिकन वाले जो थे वो बाहर आएंगे, उसके बाद ही अंदर लगाए जाएंगे। और जो हमारे चिकन वाले मोमोज हैं वो भी बन के रेडी हो गए हैं। चलो यार अब उन्हें बाहर निकलवाते हैं। सो गाइस ये देखो ये हमारे जो मोमोज हैं चिकन वाले भाई वो एकदम रेडी हो गए हैं, एकदम गर्मा गर्म मोमोज। अब उन्हें बाहर निकाला जा रहा है स्टीमर के अंदर से। गाइस ये चेक करो, जस्ट लुक एट दिस, एकदम गर्मा गर्म मोमोज हैं भाई। ये देखो हमारे मोमोज प्लेट के अंदर सजना भी शुरू हो गए हैं भाई, देखते ही मतलब मुँह में पानी आ रहा है मेरा तो। और गाइस ये देखो ये इनकी चटनी है जो ये खुद बनाते हैं भाई। चटनी भी देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रही है देखने में। और ये हमारे मोमोज़ हैं बन के रेडी हो गए हैं। दे दो मेरे को